हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी पहली वीडियो में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, जो कि काफ़ी पॉपुलर गेम है और काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर्स भी इसे खेलते हैं। इसमें हमें बेसिकली बस कुछ नॉर्मल बिल्ड्स करने होते हैं और हमें इसमें जीना होता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, हमें उसे मारना पड़ता है। आपने गेम खेली तो होगी। तो आज से हम सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हमारा वर्ल्ड बनाते हैं जिसमें हमें खेलना है। उसके लिए हमें एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड खेलेंगे और हमारा वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। तो हमारा वर्ल्ड का नाम क्या रखा जाए गाइस? हमारे वर्ल्ड का नाम मैं रखूँगा माय वर्ल्ड, क्योंकि मेरा ही तो वर्ल्ड है गाइस, है ना। हम लोग हमारे वर्ल्ड में स्पॉन हो चुके हैं। तो हमें ये स्पॉन मिला है एक अच्छा सा। तो गाइस, अगर आप लोगों को माइनक्राफ्ट खेलना नहीं आता तो हमारा सबसे पहला रूल होता है कि हमें इस ट्री को तोड़ना है। इस ट्री से हम हमारे टूल्स बना सकते हैं। टूल्स से हम क्या करेंगे, टूल्स से हमारे अलग अलग टूल्स बनते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड यानी तलवार, फिर पिकैक्स बनती है जिससे हम पत्थर तोड़ सकते हैं, और एक्स बनती है जिससे हम ये पेड़ काट सकते हैं, और ऐसे अलग अलग टूल्स होते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले ये ट्री तोड़ना पड़ेगा जिससे हमारे टूल्स बने। तो गाइस, अभी तो मैंने ये पूरा ट्री तोड़ दिया है। अब हमें इसे लेकर हमें यहाँ से इसे ऐसे प्लैंक्स बनाने पड़ते हैं, ओक प्लैंक्स, इसे कहते हैं ओक लॉग, लकड़ी को। तो अभी हमें इसे ओक प्लैंक्स बनाते हैं। ये क्या मिला मुझे, ओक सैपलिंग, ये कुछ पेड़ जैसा लग रहा है ना गाइस। अच्छा, इससे शायद पेड़ उगेंगे। वो मुझे एक और मिला। तो गाइस, अभी हमें सबसे पहले इससे क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी। क्राफ्टिंग टेबल ऐसे बन जाएगी इधर, फिर हमें इसे प्लेस करना है ऐसे। अब यहाँ से हमें टूल्स बनाने पड़ेंगे। टूल्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी स्टिक्स। अगर आपको याद नहीं रहता है तो इधर से आप ये भी खोल सकते हो रेसिपी, ऐसे मुझे भी याद नहीं है। तो अब यहाँ से हम टूल्स बना सकते हैं। मुझे थोड़े बहुत टूल्स से याद है क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, नहीं तो फिर मैं खेलना ही नहीं आता था मुझे उस वक्त, इसलिए। तो गाइस, हमने अभी एक वुडन पिकैक्स बना दिया। अभी हमें इससे यहाँ पे एक गड्ढा करना पड़ेगा जिससे हम स्टोन तोड़ सकें, और स्टोन से हम और अपग्रेडेड टूल्स बना सकते हैं, मतलब जो कि इससे अच्छे टूल्स होते हैं। अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं क्योंकि स्टोन इसके नीचे। तो गाइस, अभी मैंने कुछ पत्थर तोड़ लिए हैं, अब इससे हम और अपग्रेडेड टूल्स बनाएंगे। ये रही स्वॉर्ड, इसे हम यहाँ रखेंगे, पिकैक्स, और ये स्टोन की एक्स, और इससे हम स्टोन का शवल भी बना लेंगे। अब गाइस, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे रात हो जाएगी, तो हमें उसके लिए हमें एक ढूंढनी पड़ेगी जगह जहाँ पे हम हमारी रात बिता सके, नहीं तो रात को मॉन्स्टर आते जो कि हमें मार देंगे। ओह गाइस, हमें एक विलेज मिला है जिसे हिंदी में गांव बोलते हैं। हम विलेज में पूरी रात तक ताकि हमें कोई मॉन्स्टर परेशान ना करे। विलेज में हमें काफ़ी अच्छी लूट भी मिलती है। चलो इसके अंदर चलते हैं। हमें मिले यहाँ पे ब्रेड जो कि शायद खाने के लिए होते हैं। इसे लेने में बहुत टाइम लगता है, इसे जल्दी कैसे लेगा इस मुझे कमेंट्स में बताना। कोई इसका फीचर तो होगा पर मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने माइनक्राफ्ट। अरे गाइस, एक बिल्ली, ये तो भाग रही है, ये तो हमसे दूर भाग रही है। इसको कैसे बुलाऊं गाइस? अब मुझे कमेंट्स में बताना गाइस, इसको मैं कैसे बुला सकता हूँ, तो मैं क्या खिलाऊं? ब्रेड खाती है ये, तो मैं ही खा रहा हूँ, ये खाएगी क्या? अरे यार, इसके तो लग गई है तो और भागने लगी, इसको नहीं खा रही है। ये क्या खाती है, बिल्ली? बिल्लियाँ चूहे खाती है गाइस। हमें और सामान मिला है कुछ, तो कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ।
आयरन की पिकेक्स गाइस, ये इससे भी अपग्रेडेड टूल होती है। मतलब हमारे पास जो टूल है वो पहले वुडन के होते हैं, फिर होते हैं स्टोन के, अब उसके बाद आता है आयरन के। मतलब ये इससे भी अच्छे तेज है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर हम है ना इससे तोड़ेंगे तो धीरे तोड़ता है टूटता है, और इससे तोड़ेंगे तो जल्दी टूटता है। ये ऐसे होता है। और हमें बाकी चीजें भी मिली थी, इसे हम बोलते हैं लेगिंग्स, इसे हम पहन सकते हैं, और ये जूते जैसे भी हम पहन सकते हैं। तो गाइस आज के दिन हमें एक रात बितानी पड़ेगी, उसके बाद हमें पूरे आर्मर चाहिए ताकि हम मॉन्स्टर से लड़ भी सके। रात यहाँ पे मुझे कोल दिख रहा है थोड़ा सा। गाइस कोल से हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी सामान को जला सकते हैं या फिर टॉर्च बना सकते हैं। टॉर्च कि गाइस ये इस विलेज का जरूर गांववासी होगा, पर हाँ मैंने यहाँ से सारा कोल तोड़ लिया था। ये इस विलेज का गांववासी है, क्या मैं इससे बात कर रहा हूँ? मना कर रहा है बात करने। तो गाइस चलो हम जल्दी से हमारा पूरा आर्मर बनाते हैं ताकि हम रात को लड़ सके, क्योंकि हमें कोई बचाएगा नहीं, खुद ही पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। अरे इधर तो डॉग भी है गाइस, यार मैं इनको क्या खिलाऊं यार? तो ब्रेड खाएंगे, ब्रेड एप्पल नहीं, क्योंकि मैंने देखा है राइट क्लिक से तो इन्हें लग जाती है, सॉरी लेफ्ट क्लिक से। हाँ गाइस मैं आपको बताना भूल गया, ये आयरन गोलम। चलो इस आयरन गोलम को मार देते हैं गाइस, जिससे हमें आयरन मिल जाएगा। हमें आयरन दिया, वो बेचारा इस गांव का रखवाला था, पर मैंने उसे मार दिया है क्योंकि वो रखवाली करता नहीं, तो ऐसी लड़का ऐसी बैठा रहता है। तो अब हमें इससे बनाना चाहिए एक ये। अरे यार इसके लिए तो 8 आयरन लगते हैं, हमारे पास 7 ही है। तो हम हेलमेट बना लेते हैं, अब ये पहन लेते हैं। पर हमारे पास 2 आयरन बचा है, इससे हम एक सॉर्ड बना लेते हैं ताकि हम रात को ज़ॉम्बी से लड़ सके, ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर। हमें हमारा घर भी बनाना है वैसे। चलो गाइस केव ढूंढते हैं हम, ताकि हम उसमें से आयरन ले सके और फिर आर्मर बना सके। केव केव यार गाइस रात हो रही है इधर। तो गाइस इधर तो रात होने लग गई है गाइस, हमें जल्दी से उस घर में जाना पड़ेगा, नहीं तो मॉन्स्टर्स हमें खा देंगे, मार देंगे। पर अभी तक कोई आया नहीं गाइस, पता नहीं कहाँ से आएंगे वो लोग, पर हमें उनसे बच के रहना पड़ेगा। जल्दी से हम इस घर में छुप जाते हैं। मैंने अभी इसको उठा दिया, ये सो रहा था और मैं खुद सो गया गाइस। ये तो सही चीज है, चलो हम भी सो जाते हैं। हम कैसे उठ गए, इसने हमें आया। अरे गाइस बाहर तो सुबह हो गई। अच्छा तो मतलब बेड से सुबह हो जाती है गाइस, हमें बेड चाहिए होगा। हम वैसे इसे तोड़ के ले चलते हैं। ये मिल गया हमें बेड, कूद क्यों रहा है गाइस। चलते हैं हम जल्दी से केव ढूंढते हैं ताकि हमारा आर्मर बन सके। हमें इधर गाइस काऊ को मारना पड़ता है, क्या करें, काऊ हमारी माता है लेकिन ये तो गेम है ना, इसलिए हमें इसमें मारना पड़ता है, नहीं तो हम खाना नहीं मिलेगा। और गाइस हमें केव मिल गई फाइनली। ये तो केव नहीं थी गाइस, चलो कोई बात नहीं और केव ढूंढ लेंगे।
गाइस मुझे कुछ दिख रहा है वहां पे, शायद तक ये कुछ वुड का है। वैसे एक सेकंड, मैं बस देख कर आया, ये है क्या चीज, कहीं इसमें कोई मॉन्स्टर तो नहीं। मैंने अभी देखा ये एक शिप रह के जो कि इसमें कुछ मॉन्स्टर नहीं, हमें लूट मिलती है। शिप रह क्या नहीं किया मान सकते, कोई शिप थी जो कि पानी में तैर रही थी और फिर यहाँ पे थूक गई। अब यहाँ पे हमें कहीं पे चेस्ट मिलेगी गाइस, वो रही चेस्ट। इसके अंदर हमें बहुत सारा आयरन मिला है और गोल्ड, और ये है आयरन नगेट, और ये शायद कोई बोतल है, इससे हमें शायद पीना पड़ता है। अरे ये तो फूट गई, चलो कोई बात नहीं, मुझे उसका काम ही नहीं पता था। और हमें एक केव भी मिल चुकी है जो कि हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे। इसमें जल्दी से चलते हैं और आयरन लेकर आते हैं। अरे यार ये केव तो बंद है, उस तरफ इस तरफ भी नहीं है। फिर आयरन है किधर गाइस? फाइनली गाइस हमें एक और केव मिली है, अब इसमें देखते हैं आयरन है कि नहीं गाइस। हाँ फाइनली इसमें भी आयरन है। अब इतनी देर बाद आयरन मिला है, बहुत देर से केव मिल रही थी लेकिन आयरन नहीं था। अब गाइज ये है ना रॉ आयरन है, तो हमें इसको पहले स्मेल्ट करना पड़ेगा यानी पिघलाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक चीज होता है, चीज उसे बोलते हैं फर्नेस, से यहाँ प्लेस करते हैं। अब इसे पिघलने में टाइम लगेगा, जब तक हम वेट करते हैं। फाइनली हमारे सातों आयरन पिघल चुके हैं, अब हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं, इसे तोड़ देते हैं। गाइज रात हो रही है, मतलब कि मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। हमारा जल्दी से आर्मर बना लेते हैं, तो इससे हमें ऐसे बनाना था चेस्ट प्लेट, जिससे हमारा पूरा आयरन कंप्लीट हो जाएगा, आयरन का आर्मर। हमारे पास स्वॉर्ड भी है, तो अब हम किसी भी मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।